मणिपुर इम्फाल से आए हो, हाँ? तो कितना बहुत कितना टाइम लगता है ये दिल्ली पहुंचने में? दिल्ली पहुंचने सर फ्लाइट में 6.5 घंटे। अच्छा, फ्लाइट से? ओके ओके, तो आप काफ़ी दूर से आए हो, तो आपने कैसे ये ट्रस्ट किया कि हमें यहीं से कराना चाहिए सर्जरी? सर्जरी सर यूट्यूब पे सर्च किया था। अच्छा, तो वहाँ पे नहीं दिखाया आपने किसी को नज़दीक में? वहाँ तो सर ट्रीटमेंट कितना अच्छा बंदोबस्त है, बहुत रिमोट एरिया है सर। ओके ओके, रिमोट है। ओके, वहाँ पर नॉर्मल रिम्स है तो इतना एडवांस नहीं होता है, तो वो ट्रेडिशनल सर्जरी करते हैं जिसमें बड़ा कट वगैरह ऐसे ही करता है वो, मैं डॉक्टर के पास भी गया नहीं। अच्छा अच्छा, आपने सीधा यहीं पे सोचा कि यहीं पे करा लें? यूट्यूब में वीडियो। और ये कब से आपको प्रॉब्लम आ रहा है? ये प्रॉब्लम तो सर 6-7 साल से है, अभी तो ये दिख रहे हैं ज़्यादा इसलिए। और आपको ये कैसे पता चला ये प्रॉब्लम का? नहीं, ऐसे में यूट्यूब में सर्च मारता था कि ब्रेस्ट कैसा, कि मैं कुछ मैंने कुछ आया है तो क्या उसको कैसा रिलीफ हो सकता है, पता चला कि कैसे सर्जरी होगा। हम तो आ नहीं पाएंगे बार बार, फोन से कॉन्टैक्ट किया था। ओके ओके, वीडियोज़ वगैरह देखे, सर्जरी देखा, सब समझा है। और आपने कब, आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और आपको कैसे पता चला कि इसको गायनोकोमेस्टे बोलते हैं? हमको 3-4 महीने पहले ही पता चला है। अच्छा, अभी रिसेंटली पता चला। ओके, फिर आपने क्या किया उसके लिए? फिर आपने यूट्यूब पे सर्च किया? यूट्यूब में सर्च किया। अच्छा, फिर आपको पहले लेकिन यही पता लगे था कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा या आपने कुछ और भी ट्राई किया था? और कोई ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं देखा था यूट्यूब में, देखा था बहुत लोग बोलते रहते कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ओके ट्राई भी नहीं किया। ओके ओके, लेकिन इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? इसमें हमको सर ओपन नहाना बोलना, फिर इसमें नहीं गया और किसी से शेयर भी नहीं कर पाते थे। और ये साइज धीरे धीरे बढ़ता चला गया? तो ये बढ़ता चला गया। तो इसमें हम क्या करने वाले, यहाँ पे पंचर रोल करेंगे, यहाँ पे पंचर रोल करेंगे। ओके, सो पहले लाइपोसक्शन से जो है ये चारों तरफ का फैट रिमूव करेंगे, ठीक है? सो ये जो है तुम्हें चारों तरफ फैट है ये, और ये जो नीचे जो है ना इसके नीचे ग्लैंड है। ओके, सो ग्लैंड रिमूव करना में और फैट रिमूव करना, जो फैट रिमूव करेंगे वो वेजर लाइपोसक्शन से करेंगे। सो वेजर एक टेक्निक होती है जिसमें फैट को पहले लिक्विफाई और मेल्ट कर देती है, तो बहुत इजीली से जो है फैट एस्पिरेट हो जाता है, तो वो हम एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं लाइपोसक्शन के लिए। और उसके बाद जो है ग्लैंड रिमूव करेंगे, जो ग्लैंड रिमूव करते हैं उसको ये कट को थोड़ा बड़ा करके ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसीजर इसके रहेंगे जो हम अभी शुरू करने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका शेप एकदम अच्छा आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, अभी ऑकवर्ड लगता है और ये जो एम्बेरेसमेंट आती है वो सब चली जाएगी आज के बाद, ठीक है? नहीं, बाकी कोई साइड इफेक्ट या रिस्क ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम सेफ प्रोसीजर। नेक्स्ट तो फिर एनआरसी भी दोबारा होगा? नहीं, ये दोबारा नहीं होगा, ये परमानेंटली चल रहा है, ठीक है?